जो गोसाई जी ने रीत बताई है, जो उत्सव आदि का निर्णय बताया, उसको करिए। कार्यास्तु मनु सत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः सेवा रीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि। जो कि त्यों अपना लीजिए सब कुछ। लेकिन निवेदन करूँ ना, कुछ लोगों की कैसी बुद्धि हो जाती है, अभी जो नई शिक्षा पत्री छप के हमारे हाथ में आई उसमें से दोनों श्लोक निकाल दिए। क्या क्या है ये आप अपने आचार्यों के प्रति अपराध कर रहे हैं, दोनों को निकाल दिया। मैंने दिखाया, देखो ये पुरानी में है, इसमें नहीं है। बोले छपने में भूल हो गया। अच्छा, बोलिए वल्लभाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल कथा का विराम हुआ था कृष्ण कर्णामृत के एक श्लोक पर। आइए इंदिरा चंद गाएं, गोपी गीत का गान करें। श्री कृष्ण शरणम् मम। कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है, प्रेम दंच में काम दंच में वेदनं च मे वैभवं च मे जीवनं च मे जीवितं च मे जीवतं च मे देवना पर। सोलहवां श्लोक, तामस तामस भावाली गोपियों के उद्गार है। पति सुतान वय बांधवा नति विलंगते अच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कीतव योषिता अन्वय कर देने से बहुत सरल हो जाता है। पति सुतान वयो भ्रातृ बांधवान अति विलंग्यते अंति अच्युत आगताः गतिविदः तब उद्गीत मोहिताः कितव योषितः कह त्यजेत निशि। संबोधन दे रही है भगवान को, हे अच्युत, हे अच्युत गतिविदः, हमारे आने का कारण जानने वाले बहुत चतुर हो आप, अथवा तुम्हारी गति को भी हम जानते हैं। तब तुम्हारे उद्गीत मोहिताः, आपने वेणु में गीत नहीं उद्गीत गाया, उसको सुन के हम मोहित हो गई। और जो हमारे संबंधी हैं, देह संबंधी, कौन? पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा, पति पुत्र स्वजन भाई बांधवान बंधुजनों को अति विलंग्यते अतिक्रमण करके परित्याग करके अंति आगता अंति आपकी अति निकट आ गई है, बहुत निकट आ गई। तो पहले तो उदीत गाया बंसी में, हमें बुला लिया, और जब हम आ गई तो हे कितव निशि योषितः, रात्रि में स्त्रियों को बुला के कह त्यजित, कोई छोड़ के जा सकता है? अब इनका तामस भाव है, तो तामस भाव की भाषा जरा तीखी होती है, इसलिए क्या बोली, हे कितव। कितव माने क्या मालूम है ना, तो आप ही कह लो, मैं नहीं कहूंगा।
कितवे योषितः कस्य जेनिषि। हमने कहा है ना, तामस भाव भले ही तीखा होता है लेकिन मधुरता बहुत होती है। देखो गोपियन के सर्वस्व ठाकुर जी हैं, रीज रही हैं कृष्ण पे, पसीज रही हैं कृष्ण पे, तो खींचे कौन पे जाके? क्यों गोपी, तुम्हें खींचने के लिए कोई और नाय मिले? तो गोपी बोली, मैं अन्याश्रय नाय करूंगी, जब रीजूंगी यहाँ पे तो खींचूंगी भी यहाँ। स्वर भैरवी के लग रहे हैं लेकिन भैरवी नहीं है, यह है बिलास खानी तोड़ी, तानसेन के पुत्र बिलास, उनकी उनकी रचना। भजो तो गोपाल ही को, सेवो तो गोपाल एक, भजो तो गोपाल ही को, सेवो तो गोपाल ही को, मेरो मन लाग्यो सब भांति नंदलाल सो, मेरो मन लाग्यो सब भांति नंदलाल सो, मेरे देव देवी गुरु मात पिता बंधु इष्ट, मेरे देव देवी गुरु मात पिता बंधु मित्र सखा ना तो सब, मित्र सखा ना तो सब, एक ही गोपाल सो, एक ही गोपाल सो, भजो तो गोपाल ही को, सेवो तो गोपाल एक, भजो तो गोपाल, अनन्य आश्रय देखिए, सेवो तो गोपाल, हरिश्चंद मेरो ना और सो संबंध कछु, हरिश्चंद मेरो ना और सो संबंध कछु, आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो, आसरो सदैव लोचन विशाल सो, मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल ही सो, मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल ही सो, रीझो तो गोपाल पे, रीझो तो गोपाल पे, खीजो तो गोपाल सो, रीझो तो गोपाल पे, रीजोंगी गोपाल पे तो खींचोंगी तामस भाव, और प्रेम आवेश में कितब आदि शब्द निकल ही जाते। पहले मुरली में उद्गीत गाया है, अति निकट बुला लिया, और हम क्यों आ गई? हम जानते हैं आप अच्युत हैं, जो शरण में आ जाता है उसको आप चित नहीं होने देते, और रात्रि में बुला के हमें छोड़ के चले गए। हे किताब, स्त्रियों को छोड़ के जाना चाहिए। किताब योशिता, योशिता माने स्त्रियां, कस्तेजन निशी, कोई रात में छोड़ के जाएगा? जो हृदय निर्विकार होता है उसकी गरीबी स्तुति होती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष हृदि स्त्रिताः अथ मृत्यो मृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते,
जिसके हृदय की वासनाएं नष्ट हो गई हैं, वो तो जीवन में ही अमृत को प्राप्त हो गया है। कठोपनिषद का मंत्र है, जीवित अवस्था में जिनके हृदय की वासना ग्रंथि नष्ट हो गई, अमृत को प्राप्त हो गया, इस धरती पर ही उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। ये वेद का आदेश है। तो ये स्थिति इनको, तभी तो इन गोपियों की सराहना उद्धव जी ने की है। कुछ भी कहने का अधिकार है। उद्धव जैसे ज्ञानी भगवत कृपा पात्र क्या वंदना कर रहे हैं गोपियों की। नायं श्रीयोंग उनितांतरते प्रसाद स्वरियोषिताम नलिन गंधरुचा कुतोन्या रासो सवेश भुज दंड गृहीत कंठ लब्धा शिशांग्य उद्गार ब्रज वल्लवीना। कृष्ण कन्हैया लाल की, आर्य पथ का त्याग, स्वजन संबंधियों का त्याग जो गोपियों ने किया है, ये बड़ा ही दुस्तज्ज कार्य है। कहना बड़ा सा नति विलिंगते उल्लंघन करके आए, त्याग के नहीं आई, उल्लंघन दोबारा जाने ही नहीं है। इसलिए उद्धव कह रहे हैं, या दुस्त्यजं स्वजन आर्य पथं चहित्वा। आर्य पथ स्वजनों का त्याग ये बहुत कठिन है, दुस्त्यज कोई नहीं कर सकता। तभी उद्धव जैसे उनकी रज में लौटे, ऐसा त्याग तो कोई नहीं कर सकता। अरे इनकी रज में लौट लूं यही सौभाग्य है। आशा मोह चरण रे नुजुषाम हम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना या दुस्त्यजन स्वजन मार्य पथं चहित्वा। और जिसने सब त्याग दिया मुकुंद के लिए, तो मुकुंद कहां विराज जाते हैं, अंदर। मुकुंद अपने पद पे बिठा देते हैं उसको, बेजुर मुकुंद पदवी, उस पदवी को पहुंच प्राप्त हो गई श्रुति भीर विमृग्या, जिसको श्रुतियां खोज रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं, अर्जुन इतने प्रिय सखा हैं, और गीता का उपदेश देके भगवान ने अंत में आज्ञा की है, आज्ञा अर्जुन को हुई है, लेकिन वैसा करके किसी ने दिखाया है तो वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचिः। क्या ऐसा अनन्य भाव और किसी का हुआ है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत। अनन्य आश्रय देखिए, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। किया ऐसा अर्जुन ने, बोलो गोपियों ने किया। तन्मनस्कास्तदालापास तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गारं सस्वरी। ये तो गोपी गीत से पहले ही वर्णन है। इसलिए गोपियां सबकी वंदनी है महाराज। इस भूतल पे जीवन किसने सार्थक किया है, बोलो बोलो। एता परम तनुभृतो भूभि गोपवद्भो
गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद् भवभियो वांछन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं किं ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य एता परम तनुभृता भूमि भो भगव। इस भूमि पर जन्म लेने का लाभ लेने वाली या जन्म को धन्य करने वाली कौन है? गोपवद्भ। भगवान में ऐसा रूढ़ भाव हो गया जिनका, ये कैसी स्थिति है महाराज? इस भाव की आशा रखते हैं कौन? वांछन्ति यद् भवभियो, भयभीत हैं संसार में वो कामना करते हैं। मुनयो वयंच, मुनि वयंच, भवभियो वांछन्ति, मुनयो वांछन्ति, वयंच वांछन वांछामहे, हम जैसे कामना करते हैं। एता परम तनुभृतो भवि वो भवद्व। इस भूमि पे तन धारण करना गोपियों का ही सार्थक है। क्यों? गोविंद जो निखिल आत्मा है उनमें ऐसा गूढ़ भाव हो गया इनका, ये कृष्ण के स्मरण के अलावा सबका विस्मरण। और इसके लिए स्वजन आर्य पथं चहित्वा, आर्य पथ का स्वजन संबंधियों का त्याग कर देना ये बहुत बड़ी बात है। किं ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य, देखो टीकाकरण बड़े सुंदर भाव दिए हैं। किं ब्रह्म जन्म भी ही, ब्राह्मण के कुल में जन्म हो जाए, शुक्ल सावित्र और याज्ञिक घर में वैदिक प्रक्रिया है, अग्निहोत्र है, वेद गान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कथा में रस नहीं है। किं ब्रह्म जन्म भी, ब्राह्मण जन्म से क्या हुआ है? किं ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य, दूसरा अर्थ किया किं ब्रह्म जन्म, कोई ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाए और हरि कथा में रस नहीं हुआ तो ब्रह्म जन्म भी ही, बहुवचन है। भगवान कहें तुम्हें हम हर कल्प में ब्रह्मा ही बनाएंगे, हर सृष्टि में तुम ही ब्रह्मा बनोगे, बार बार वही ब्रह्मा बने लेकिन कथा में रस में स्वाद नहीं आवे, किं ब्रह्म ब्रह्म जन्म भी, ब्रह्माकार वृत्ति भी, ऐसा किया। अम ब्रह्मास्मि की स्थिति सतत स्मरण हो रही है उसको, ये वृत्ति बन गई लेकिन अनंत की कथा में रस नहीं आया, सब बेकार। ये गोपियां हैं, गोपियों जैसा त्याग कोई नहीं, दुस्त्यज है इसका त्याग। वो कह रही हैं त्याग के नहीं आई है, उल्लंघन करके आई है। देखो यहां शायद ये बात प्रचलित है कि नहीं मालूम नहीं है, हमारी तरफ बहुत है ब्रज में, वो गणेश चतुर्थी आती है ना तो चौथ का चंदा देखो तो कलंक लगता है, कोई देखता नहीं है। यहाँ ऐसा ऐसा, यहां भी ऐसा, गणेश चतुर्थी का चंदा नहीं देखती, पुराणों में कथा है, कलंक लग जाता है, सब घर में घुस जाते हैं, कोई ना देखे, वो चंदा देखा और लगी लगा उसको कलंक, कुछ ना कुछ दाग लगता है, कोई निकलती नहीं परपाटी होगी, ये पुराण की कथा है। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश को जो मणि चोरी कलंक लगा ना, चौथ का चंदा देख लिया। तो एक गोपी ने सुनी, नई नई गौने है के आई कि चौथ को चंदा देखे से कलंक लग जाए, बोली मेरो मोहड़ो देख भी आई गोपियां तो एक चर्चा कर रही है, कि चर्चा कर रही है कौन है, घूंघट खोल के देखे ना, नई बहू है, गोने होके आई, मैं दे मुंह दिखाई, अब सब पे वही बात है, दूसरी बात नहीं, वो तो बावरी हो गई जी, है कौन? और ये सास जान नहीं देगी कल तो गोने होके आई है, अब मैं कहा करूं, कैसे मेरे संबंध जुड़े है ये जिनकी बात करके गई है? तो वो बोली कल चौथ है, ऐसा करे छत पे खड़े होके चंदाए देखे तो कम से कम कृष्ण के नाम से ही कलंकित हो जाऊंगी, संबंध जुड़ जाएगा। छत पर चढ़ गई, चंदा देख रही,
नारद जी दिख रहे क्या कर रही है, कलंग लग जाएगा। गोपी बोली जय की ले तो देख रहे या दुस्त्यजं स्वजनम आर्य पतन चहित, कौन कर सकता है। सुनी है पुराणन में, पुराण की कथाएं, बिजन के मुखन मुखन बात तो है देखे अपजस होत ही अचूक। चंदा से कह रही है तुझे देखने के बाद अचूक अपजस होता है, माने होगा ही नहीं अचूक। तासों हरिश्चंद करी दर्शन तेरो जी मेट्यो चाहो कठिन मनोभव की हूं कहे। तो मिलन की कामना हृदय में जग रही है, उस अग्नि को शांत करना चाहती हूं तुझे देख के। ऐसो कर मोहे सबे प्यारे नदन नंदन जूसो मिल कही लावे मुख सौतन के लूक। जैसे सौत दूसरी सुनावे ना अच्छी तरह से, ऐसे सबरी मोह गारी दे वो पूरी भरी के। अरे चंदा गोकुल के चंद सो लागे जो कलंक, गोकुल के चंद सो लागे जो कलंक तो तू साचो चंद न तो बादर को टूंक। तो तू साचो चंद न तो बादर को, बदल का एक टुकड़ा है तू निकला है। मैं सच्चो चंद्र मैं कब जानू, जब गोकुल चंद के नाम से ही मेरा नाम जुड़ जाए, कलंक से जुड़ जाए। नारद जी बोले अब तू कलंकित होगी, खूब जवाब होगा तेरा, जाओ। अब दूसरे दिन चर्चा शुरू हो गई, सास सुनावे ननन सुनावे बुरी भली कहे। और ठाकुर जी चौक गली में से निकले दर्शन भाई झांक रही है ऊपर से, सब बोली हाय जा लाज ना आवे दूध ना भय गोने आई, और घर में से झांकने लगी छत्तन पे से ब्रज की भाव है। औचक दृष्टि पर कछु काने जो तासो कहे नंदी अनुरागी, सो सुन सास रही मुख मोर जिठानी फिरे जी में रिस पागी। नी के निहार के देखे न आखिन में कब हो भरी नैन न जागी, मो पछतावो यही जो सखी कलंक लग्यो पे अंक न लाए। कलंक लग्यो पे आप हिलक के कीर्तन देखिए भरे ही नहीं भाव। और कैसी दृढ़ता आ जाती है उस भक्त में, लोक वेद का त्याग, स्वजन संबंधियों का त्याग, लोक की मान प्रतिष्ठा का त्याग दुस्त्यज है, बहुत कठिन है, गोपियों ने किया है। जगह जगह चला, अरे फलाने की बहू है ना, अरे बात मत करो, गोपी पक्की हो गई महाराज। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ये गोपियों के भाव लोक भाव से विपरीत, क्योंकि पुष्टि भक्ति ही विरुद्ध है। प्रभु दोनों प्रकार की लीला करते हैं, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। जब प्रभु सीधी अनुकूल लीला करते हैं वो मर्यादा भक्तों के पोषणार्थ होती है, और जब विरुद्ध लीला करते हैं वो पुष्टि जनों के पोषण। पुष्टि ही मर्यादा तो विपरीता बलिष्ठा चोपी बोली अब तो बदनाम भई ब्रज में, अब तो बदनाम भई ब्रज में, अब तो बदनाम भई ब्रज, अब तो याग देखिए भई ब्रज में। घर लोग जवाब करो तो करो, घर लोग जवाब 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 माने आलोचना निंदा करो। अपकीर्ति हो भले हरिशंद, अपकीर्ति हो भले हरिशंद, जो सास जिठानी लरो तो लरो, जो सास जिठानी लरो तो लरो, मोहे देखनो है वह रूप मनोहर, देखनो है वह रूप मनोहर, लाज पे गाज गिरो तो गिरो, लाज पे गाज गिरो तो लाज, लोग लाज और गाज माने बिजली, बिजली गिरती है ना, वो भी बोली बिजली गिरे तो गिरे, लाज पे गाज
ब्रज भाषा का बड़ा मोहे आपने काम ते काम सखी मोहे आपने काम ते काम सखी कुल के कुल नाम धरो तो धरो कुल के कुल नाम धरो तो धरो जो मेरो ये लोक जाएगो और परलोक न सावेरी नंदन नंद को तो न छाड़ो मिलोंगी निशान बजा डंका बजाए के मार्ग में जावे तो लोग जवाब करें वो क्या कह रही है गृहपति मात पिता मोहित रासत हसत बटाऊ लोगरी ये रास्ता चलते हंसी करते हैं अब तो ये मन में आ गई है कि जी हंसे बिना नहीं माने और मैं तो चिकना खड़ा हो गई असर अब तो जी ऐसी बनी आई विदना रचो संजोगरी ये टोके बिना नहीं माने और मोह पे असर नहीं हो क्या है ये स्नेह की वो भाव है महाराज वास्तव में गोपियां सबकी वंदनिया है धन कृष्ण प्रेम कृष्ण सुखार्थ ऐसा त्याग वो कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा कल भी मैंने यही बात कही श्लोक ज्यादा खोल सब बढ़िया लग रहा है सुनने में शायद किसी के मन में ये शंका है कि इस श्लोक में गोपी स्वीकार कर रही हैं हमारे पति हैं हमारे पुत्र हैं भाई बंधु हैं तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वेदों की ऋचाएं हैं ऋषि हैं श्रुति रूपाय हैं ऋषि रूपाय और दूसरी ओर पति हैं पुत्र हैं तो पति हैं तो विवाह हुआ है तो संतान आदि गर्भ धारण किया है तभी तो लौकिक स्त्री की तरह पुत्रादि का जन्म हुआ है तो पति संबंध हुआ संतान का जन्म हुआ यही गोपियों ने यहां पधार के किया तो गोपियों में और फिर साधारण स्त्रियों में अंतर क्या हो गया ये वेद की ऋचाएं और जीव तो ये मन में प्रश्न पैदा हो सकता है सुंदर गोपालम